हेलो गाइस, हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई ट्रिक के साथ जो पेटीएम की है। आपको क्या करना है, आपको आईडी बनानी है पेटीएम में। जो आप 18 साल से कम उम्र है तो उसके लिए पेटीएम की आईडी बनानी है। तो उसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाकर पेटीएम इंस्टॉल कर लेना है। अब हम पेटीएम इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारा पेटीएम आ चुका है, अब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और आपको बता दूँ, जो बहुत से बच्चे होते हैं जो जिनकी एज 18 साल से कम होती है, वो पेटीएम पर अपनी आईडी नहीं बना पाते हैं, तो उसके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आप जिससे पेटीएम पर आईडी बना लोगे, जिसमें आप ऐप्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा पैसे कमाकर उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो, और जैसे पबजी या फ्री फायर जैसे गेमों में आप डायमंड टॉपअप कर सकते हो। तो अब मैं उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। अगर ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर इसको होने देते हैं, अभी डाउनलोड हो रहा है अभी हमारा पेटीएम को। इस ट्रिक की मदद से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप पेटीएम पर आईडी बना लोगे और फ्री फायर जैसे गेम्स में टॉपअप कर सकते हो। मैं भी इसी ट्रिक से पेटीएम बनाया और मैं भी फ्री फायर में अब टॉपअप करने लगा हूँ। तो अब इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा नेट स्लो है मेरा। आपको इंस्टॉल होने तक इंतज़ार करना है, अभी इंस्टॉल होने देना है, अभी हो रहा है मेरा इंस्टॉल। और ये पेटीएम मेरा इंस्टॉल हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, देखिए हमारा पेटीएम आ चुका है हमारे, तो आपको पेटीएम ओपन करना है। फिर पेटीएम ओपन हो रहा है मेरा, और फिर पेटीएम देखो ओपन हो रहा है मेरा। इसमें पहले तो अपना पहले आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, वो फ़ोन नंबर डाल देना जो आपके फ़ोन में अभी हो, तभी सही रहेगा। मैंने फ़ोन नंबर, फिर ग्रांट परमिशन पर क्लिक कर देना, जैसे आपको परमिशन देनी है इस फ़ोन को पेटीएम को। अपने यहाँ ओटीपी मांगेगा, इसलिए मैं कह रहा था उसी नंबर को देना जो आपके फ़ोन में हो, जिस पर ओटीपी आ जाए। और ये मेरा ओटीपी आ चुका है, मेरा ओटीपी यहाँ पर, मैं ओटीपी को डाल देता हूँ। ओटीपी डाल रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है वो ओटीपी को। अब मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, अब देख सकते हो मेरा पेटीएम का अकाउंट बन चुका है। लेकिन अभी मेरा वॉलेट ओपन नहीं हुआ है। अगर आपको वॉलेट ओपन करना है, उसके लिए मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। तो इस पर वॉलेट ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपनी आईडी बना लेनी है। ऐसी आईडी बन जाएगी आपकी पेटीएम की, देख सकते हो मेरी पेटीएम की आईडी बन चुकी है, लेकिन मेरा अभी वॉलेट ओपन नहीं है। तो वॉलेट ओपन करने के लिए देखो मेरा पेटीएम बैलेंस अभी जीरो, क्योंकि मेरा वॉलेट ही ओपन नहीं है अभी। अब वॉलेट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये आ गया वॉलेट, योर वॉलेट इज़ नॉट एक्टिव। इसको करने के लिए पहले आपको क्लिक करके वोटर आईडी पे क्लिक कर देना है। और फिर वोटर आईडी के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लेटर डालना है कोई भी, ए बी सी डी कोई भी, और फिर उसके बाद 10 डिजिट का कोई भी नंबर डाल देना। ये ट्रिक है, ये नई बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप पेटीएम का वॉलेट ओपन कर सकते हो। इससे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये 10 डिजिट का कोई भी नंबर डाल देना, मैं डाल देता हूँ। और मैंने डाल दिया यहाँ पर नाम, नाम डालना, आप पेटीएम का कोई भी नाम डालना चाहो वो डाल सकते हो। डाल दिया, आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है और फिर सबमिट कर देनी है डिटेल। और ये देख सकते हो मेरा मेरा पेटीएम वॉलेट ओपन हो चुका है। और अब देखना है यहाँ पर लिखा आ गया है कि मैं ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट से शॉपिंग कर सकता हूँ इसमें, और मंथली में 10,000 तक इसमें लेकर रख सकता हूँ। देखो हाई ललित आ चुका है मेरे, और देखो पेटीएम बैलेंस अब जीरो दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पेटीएम अभी नया बनाया है तो जीरो बैलेंस है। तो इस प्रकार आप भी बना सकते हैं अपना पेटीएम वॉलेट, जो जिनकी एज 18 साल नहीं होती या फिर कोई बैंक बैंक खाता नहीं होता, वो
ऐसी इस ट्रिक के जरूर मदद से पेटीएम बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।